हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी सहेली चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बैंगन की बिल्कुल नई सब्ज़ी, नई रेसिपी, जिसे मैं बिल्कुल नए तरीके से बना के आपको दिखाऊंगी। और इसके आगे यकीन मानिए, आपको पनीर भी फीकी लगेगी फ्रेंड्स। तो इस बैंगन को बनाने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बना के दिखाती हूँ कि इस बैंगन के सब्ज़ी को मैं कैसे बनाई हूँ और इसे बनाने में क्या क्या सामग्री की ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ बैंगन। आप जितना का सब्जी बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, उतना बैंगन ले सकते हैं। आज मैं हरे वाले बैंगन का सब्जी बना रही हूँ। आप इस तरीके से चाहे तो सफ़ेद वाले बैंगन या ब्लू कलर का जो आता है उसका भी आप बना सकते हैं सब्जी। तो इसे अच्छे से पहले एक बार धो ली हूँ पानी से। अब इसे कट करती हूँ। तो कट कैसे करूँगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये छोटा बैंगन है तो मैं इसका दो टुकड़ा करूंगी। यदि ज़्यादा बड़े साइज का बैंगन है तो आप तीन टुकड़ा में उसे कट कर सकते हैं। और एक तरफ से देखिए, इस तरीके से मैं सीधा चीरा इसमें लगा दी हूँ और इधर से फिर एक चीरा लगाऊंगी। तो जिस तरफ जिधर से चीरा लगा है उसका अपोजिट साइड से आप चीरा लगा सकते हैं। तो देखिए, ये चार टुकड़ा में कटा है लेकिन जुड़ा हुआ है, बिल्कुल भी टुकड़ा अलग अलग नहीं की हूँ। तो इसी तरीके से मैं सारे बैंगन को पहले कट करके तैयार कर लेती हूँ फ्रेंड्स। और इसे कट करते हुए पानी में डालना है। पानी में डालिएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा काला काला सा निकलता है कुछ, तो वो सब अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो चलिए, मैं बैंगन को कट करते हुए पानी में डालती जाती हूँ फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के बगल में छोटा सा घंटी है, उसे भी दबा दीजिएगा, और ऑल है ऊपर में तो उसे भी क्लिक ज़रूर कीजिएगा, तभी हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। और पहले से सब्सक्राइब कर रखा है हमारे चैनल को तो आपका तहे दिल से धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, सारे बैंगन को कट करके मैं डाल दी हूँ पानी में, और इसे पानी में ही रहने दूंगी पड़े हुए। जब तक कि इधर का सारा तैयारी होगा तब तक बैंगन पानी में ही पड़ा रहेगा। उसके बाद इसे फिर दूसरे पानी से अच्छे से धो के उसके बाद यूज में लाएंगे इसे, क्योंकि बैंगन में बहुत ज़्यादा काला काला सा कुछ रहता है, उसे आप ज़रूर इस तरीके से पानी में डुबा के निकाल लिया कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बताती हूँ कि बैंगन की सब्ज़ी को बनाना कैसे है। तो सब्जी बनाने के लिए मैं डाल दी हूँ कढ़ाई को चूल्हे पर, और इसमें डाल देती हूँ तेल। अभी बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, दो चम्मच के करीब मैं इसमें तेल डाली हूँ। तेल को अच्छे से गर्म कर ले रही हूँ। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें डाल देती हूँ एक चम्मच जीरा, सूखी लाल मिर्ची। तो पहले मैं इसमें लाल मिर्ची डाली हूँ और एक चम्मच जीरा, और साथ ही इसमें डाल देती हूँ दो चम्मच के करीब मूँगफली का दाना। और गैस के फ्लेम को बिल्कुल कम रखिएगा अभी के समय में जब आप मसाला भून रहे हों। तो मूंगफली और मिर्ची हमारा और जीरा हमारा अच्छे से चटक चुका है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें डाल देती हूँ लहसुन का कलियाँ। तो लहसुन आप जितना सब्जी बना रहे हो उस अनुसार से आप डाल लीजिएगा। तो लहसुन को सिर्फ छील के इसी तरह से डाल दे रही हूँ पूरा पूरा, और लहसुन को भी थोड़ा सा भून लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, लहसुन हमारा भून चुका है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ एक बड़े साइज का प्याज, बारीक कट करके। प्याज आपके पास छोटा वाला है तो आप दो से तीन भी डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा ग्रेवी आपके सब्जी में बनेगा। और आप उस सब्जी को चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़े का सब्जी बनता है फ्रेंड्स। एक बार आप इस तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और पापड़ अभी तक आपने नहीं बनाया है, और पापड़ बनाने का आप शौकीन हैं, बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो आपको ऐसे मिलेंगे जो कि पंखे के हवा में भी आप सुखा के तैयार कर सकते हैं उस पापड़ को। आप चाहे आटा गूंथ के बनाएं या चाहे बिना आटा गूंथे हुए बनाएं, हर प्रकार की पापड़ की वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर। तो आप जाके एक बार ज़रूर देखिए, और आपको अच्छा लगता है जो भी पापड़ की रेसिपी तो आप उसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक इंची अदरक का टुकड़ा को बारीक कट करके डाल दी हूँ। इसी के साथ अच्छे से भून जाएगा, और मसाले को अच्छे से ढक ढक के इसे पका लूँगी जब तक कि प्याज का कलर बदल ना जाए और सारे मसाले जो इसमें पड़ा हुआ है, मूँगफली वगैरह, वो सब सारे सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसमें ढक्कन लगा लगा के मैं इसे ढक ढक के बीच में खोल खोल के ढक्कन हटा हटा के पका लेती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पर प्याज का कलर हमारा चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ एक बड़े साइज का टमाटर को बारीक कट करके। आप चाहें तो टमाटर का प्यूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टमाटर भुना हुआ होता है तो इसमें थोड़ा सौंधापन आ जाता है,
अब टमाटर को भी ढक देती हूँ थोड़ा देर के लिए, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच के करीब नमक, और नमक डालने के बाद 1 से 2 बार इसे ढक ढक के पकाऊंगे। और बिल्कुल हमारा अभी मसाला रेडी हो चुका है फ्रेंड्स, तो चलिए 1 से 2 बार इसे ढक के पका के टमाटर को भी सॉफ्ट कर लेती हूँ। तो मसाला हमारा हो चुका है, आप देख पा रहे हैं। अब इसे डाल देती हूँ ठंडा होने के लिए दूसरे बर्तन में। अभी इसमें डाल देती हूँ नारियल का बुरादा, आपके पास फ्रेश वाला नारियल है तो आप डाल सकते हैं इसमें, और इस तरीके से आपके पास है कोकोनट पाउडर तो आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 2 चम्मच भर के डाली हूँ इसमें कोकोनट पाउडर, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे, और इसे लास्ट में डाली हूँ क्योंकि बहुत बारीक है तो ये जल सकता है। अब मैं इसे मिक्सर जार में डाल के मसाले को ठंडा करके उसके बाद इसका पेस्ट बना लूँगी। वापस से कढ़ाई में डाल दी हूँ तेल, और तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ सारे बैंगन के टुकड़े को, और इसे अच्छे से पकने तक फ्राई कर लेना है, और इसका कलर भी चेंज कर देना है अच्छे से। तो इस तरीके से चलाते हुए बैंगन को ढक ढक के अच्छे से पका के इसका कलर बिल्कुल चेंज करके और आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स बैंगन का सब्जी तो आपने बहुत बार ट्राई किया होगा, बहुत बार बनाया होगा, बहुत तरीके से बनाया होगा। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बना के खाएंगे, खा के आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप बार बार इसी तरीके से बनाना चाहोगे। तो इसमें लगा देती हूँ ढक्कन, और ढक्कन लगा के बैंगन को सॉफ्ट कर लेती हूँ। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दी हूँ जिससे कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार इसे चेक कर लिया जाए। देखिए बैंगन पकते हुए सॉफ्ट भी हो चुका है, उसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अभी मैं सारे बैंगन को निकाल लेती हूँ, और इसमें जो बचा हुआ तेल है इसमें ही रहेगा। तो फ्रेंड्स तेल हमारा इसमें बचा हुआ था उसमें डाल दी हूँ जीरा। तेल हमारा पहले से गर्म ही था तो गर्म करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा हमें। अब इसमें डाल देती हूँ पीसा हुआ मसाला, जो कि मसाला अभी ठंडा करके और पीस के तैयार की हूँ। जार में थोड़ा सा पानी डाल के उसे भी धो के अच्छे से इसमें डाल दीजिए, क्योंकि बहुत फ्लेवर वाले मसाले हैं तो इन्हें फेंक के क्या फ़ायदा। थोड़ा सा पानी 2 से 4 चम्मच डाल के और इसमें डाल दीजिए। अब इसमें डाल देती हूँ 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची, क्योंकि पहले भी लाल मिर्ची गर्म करके उसे पीसी थी, बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा सब्जी। और इसके साथ ही 1/2 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर, और इसे अच्छे से चला लेती हूँ एक बार। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, और फ्रेंड्स मसाले को अच्छे से भून लेती हूँ जब तक हमारा मसाला अच्छे से तेल ना छोड़ दे। तो देखिए अब इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी, और अच्छे से भून लेती हूँ जब तक कि अच्छे से तेल छूट ना जाए मसाले में। अब इसमें डाल देती हूँ 1 छोटा चम्मच से आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर के जगह पे आप चाहे तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन नींबू का रस जब आपको डालना हो तो एकदम लास्ट में डालिएगा जब आपका सब्जी बन के तैयार हो जाए। अब इसमें डाल देती हूँ पानी, तो पहले थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए अच्छे से इसे ग्रेवी को घोल लेना है। फ्रेंड्स आपको जितना ग्रेवी रखना उस तरीके से उस अनुसार से आप इसमें पानी डाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा गाढ़ा ग्रेवी वाला ही सब्जी अच्छा लगता है। आप इसे रोटी चावल दोनों के साथ खा सकते हैं।
अब इसे ढक देती हूँ। इसमें पहले डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक, क्योंकि नमक पहले नहीं डाली हूँ, थोड़ा सा मसाला में डाली थी नमक, और बैंगन भी बिल्कुल प्लेन है तो उस अनुसार से आप नमक डाल लीजिए। और इसे ढक देती हूँ, ग्रेवी में अच्छा सा उबाल आने देती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ कि इसमें बैंगन कब पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ग्रेवी में अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें सारे बैंगन के टुकड़े को डाल देती हूँ और डाल के इसे अच्छे से पकने देना है, जब तक कि बैंगन अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए और मसाला सारे बैंगन के ऊपर लिपट ना जाए। बैंगन में सारा मसाला नमक सारी चीज़ का फ्लेवर चल जाना चाहिए। तो इसे लो फ्लेम पर कम से कम 5 से 7 मिनट तक और पकने दूंगी। इसमें ढक्कन लगा देती हूँ, ढक्कन लगा के इसे पकने देती हूँ बिल्कुल बैंगन सॉफ्ट होने तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार चेक करके देख लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर बैंगन का सब्जी हमारा अच्छे से बन चुका है, बैंगन भी सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ बारीक कटा हुआ धनिया की पत्ती और फ्रेंड्स बनके तैयार है हमारे बैंगन की सब्जी। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, जब आप बनाएंगे तभी समझ पाएंगे इसका स्वाद क्या है। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।